नमस्कार सर, न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं राजौरी गार्डन और हमारे साथ हैं राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह जी, आप बहन जी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और दिल्ली के अंदर आपने सभी तरीके की राजनीति भी देखी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी आपने राजनीति देखी है, लेकिन बसपा सुप्रीमो के ऊपर हमेशा से बहुजन समाज के ही लोग और बहुत सारे लोग इस तरीके के बोलते हैं कि जो मायावती हैं, जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो पैसे लेके मीटिंग करती हैं, किसी से मिलना होता है तो उसका भी एक पैसा होता है। क्या ऐसा सत्य है या नहीं है, वो बताएं आप हमें। देखिए, जहाँ तक बात है धन वाली, ये बात वो ठीक बोलते हैं, पहले आप इसके पूरा मीनिंग समझिए। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ना तो बहुजन समाज समझ पाया, ना देश समझ पाया। बीजेपी वाले या कोई भी पार्टी वाले बिल्कुल सही कहते हैं कि वो धन की देवी हैं। ये मैं भी कहता हूँ कि वो धन की देवी है, लेकिन वो कौन से धन की देवी बता रहे हैं ये आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं या लोगों तक बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं। मीडिया वाले इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। बीजेपी वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो धन की देवी है, मैं भी उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि वो वास्तव में धन की देवी है। उनके पास कौन सा धन है, उनके पास ये धन है कि वो बहुजन समाज जो पूरा है वो उनको देवी मानता है, वो उनका रेस्पेक्ट करता है, वो उनको अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मानते हैं, वो हैं बहन कुमारी मायावती। उनके पास सबसे बड़ा धन ये है, इसलिए बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या जितनी भी देश की पार्टियां वो उनको धन की देवी कहती है। इससे बड़ा धन किसी के पास है भी नहीं। जितना बड़ा धन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के पास है, उससे बड़ा धन किसी के भी पास नहीं है। आप इस बात को समझें और इसको ठीक से रिप्रेजेंट करें। आप गलत रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पैसा लेके और टिकट देती हैं या मिलने का पैसा लेती हैं। किसी भी आदमी ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि वो धन की देवी है। उनका जो धन है, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनिए, अपने कैमरे में चलाइए, मैं भी कह रहा हूं कि वो धन की देवी हैं, लेकिन उनके पास जो धन है वो अपने समाज का है, बहुजन समाज का है, एक ऐसे तबके का उनके पास धन है कि जो तबका सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पे ही वोट देगा, उनको वोट देगा, या वो जिसको कहेंगी उनको वोट देगा। जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, उस गठबंधन ने साबित करा कि पूरे बहुजन समाज ने, जिसको लोग कहते थे कि भाई आपका समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कभी एक नहीं हो सकती, वो भी एक हुई। बोल लोगों ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के आपस में कभी दिल नहीं मिलेंगे। आप सबने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में मिलके और पूरा काम करें। पूरे बहुजन समाज ने जहाँ जहाँ भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, सब जगह उन्होंने अपने वोट दिए। आजकल तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों से वोटिंग होती है, आप बहुजन समाज के वोट चेक कर लीजिएगा, सारे बहुजन समाज के वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल मिले हैं। इस बात से ये साबित होता है कि वो वास्तव में धन की देवी हैं, लेकिन कौन से धन की, अपने समाज की, बहुजन समाज की, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करती हैं वो उनका सबसे बड़ा धन है, वो उसी के लिए आज तक लड़ती आई हैं। और मेरे को लगता है कि जीवन पर्यंत वो इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, अपने इस धन के लिए लड़ेंगी कि मेरा जो ये धन है बहुजन समाज जो है ये एक दिन उस पटल पे आ जाए जिसका सपना उन्होंने देखा था, मान्यवर साहब ने देखा था, बाबा साहब ने देखा था, या हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, समाज सुधारक हुए, उन्होंने देखा था। पैसे का जवाब देता हूँ, जहाँ तक बात है पैसे की, आज के युग में किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए उसमें पैसा होना जरूरी है। बहुजन समाज जो है, जो जिसको बहुजन समाज पार्टी रिप्रेजेंट करती है, वो समाज इतना बड़ा तो नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से एक मुश्त पैसे की जो रकम है उसमें शायद उनका मुकाबला कर सके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं है जो करोड़ों रुपए का चंदा दे सके। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का चंदा उनको एक नंबर में, दो नंबर में या तीन नंबर जितने भी होते होंगे सब में दे सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बहुजन समाज के अपने लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आपको निश्चित तौर से जितने भी आप समर्थ हैं, जितनी भी आपकी समर्थता है, उस समर्थता के हिसाब से आपको बहुजन समाज पार्टी को जरूर योगदान देना चाहिए। आप योगदान करें, बहुजन समाज पार्टी अगर पैसे से मजबूत होगी, माननीय बहन जी पैसे से मजबूत होगी, तो निश्चित तौर से पार्टी मजबूत होगी। वो पैसा मिशन के काम आता है, बहन जी के कोई काम नहीं आता है। बहन जी जैसे पहले रहती थी आज भी वैसे ही रहती है, उनके पहनावे में, खाने में अगर आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि किसी भी भारतीय राजनेता के जितने खाने और पहनावे में खर्चा आता है उसका 100वां हिस्सा भी उनके खाने और पहनने का खर्चा नहीं आता है। वो पैसा समाज में खर्च होता है, समाज के लिए खर्च होता है, पूरे देश में बहन जी जाती हैं। क्या बहुजन समाज ये नहीं चाहता कि बहन जी एरोप्लेन से जाएं? क्या बहुजन समाज चाहता है कि बहन जी बस से जाएं? क्या ये चाहता है कि बाकी लोग, नेता लोग जो है एरोप्लेन से जाएं और बहन जी पैदल जाएं? ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम लोग ये चाहेंगे कि बहन जी बिल्कुल एरोप्लेन से जहाँ जाना चाहिए वहाँ एरोप्लेन से जाएँ, जहाँ हेलीकॉप्टर से जाना चाहें वहाँ हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नेता है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी नेता बाकी नेताओं को देख के ऐसा लगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी की जो नेता वो इसलिए चल रही है कि बहुजन समाज के पास पैसा नहीं है। हमारे पास बहुत पैसा है, हम जो लोग जितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उतना निश्चित तौर से करना चाहिए।
जिसके पास जितनी भी है, जो 10 रुपये वाला है वो 10 रुपये दे, जिसके पास 1000 रुपये वाला 1000 रुपये दे। हम मानते हैं कि हम 1000 करोड़ नहीं दे सकते हैं, हम करोड़ों रुपये नहीं दे सकते, हम 50 लाख नहीं दे सकते हैं डोनेशन, लेकिन हम भी 2000, 5000, 1000 रुपये, 100 रुपये जरूर डोनेशन दे सकते हैं। सबको बहुजन समाज को, बहुजन समाज पार्टी को डोनेशन देना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जिन लोगों को रिप्रेजेंट करती है वो 85% है, हमारा 100 रुपया और उनका 1 लाख रुपया फिर भी बराबर होगा। अगर हम 100-100 रुपये भी देंगे तो निश्चित तौर से उनसे ज़्यादा पार्टी के पास फंड आएगा, पार्टी के पास फंड आएगा तो संसाधन बढ़ेंगे, संसाधन अगर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी बढ़ेगी तो पूरा समाज बढ़ेगा। कितनी खूबसूरती से राजवीर जी ने बताया कि वो बिल्कुल धन की देवी हैं, जिसके पास 85% का बहुजन समाज हो वो अपने आप में बहुत बड़ा मालिक होता है, बहुत बड़े समुदाय का मालिक होता है। जो एक एक रुपया मंदिरों में या कहीं भी पैसा चढ़ता है वो होता है बहुजन समाज का। अगर एक एक रुपया भी बसपा सुप्रीमो को मिले तो वो करोड़ों की संख्या में पहुंच जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।